डियर स्टूडेंट्स, टुडे टू बिगिन विथ आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग ऑन चैप्टर टू फॉर क्लास सिक्स. दिस बुक इज मीन्ट फॉर क्लास सिक्स फॉर द न्यू सेशन, आई मीन द प्रेजेंट सेशन, एकेडमिक सेशन. एंड चैप्टर वन कंटेन्स अ पोएम एंड चैप्टर टू इट कंटेन्स अ स्टोरी हैविंग द टाइटल अ फ्रेंड इन नीड. It reads out like this. Bharat, as you know, has always been the land of great saints and scholars, of kind rulers and wise gurus. Bharat, as you know, I am reading it out again. जैसा कि आप जानते हैं कि भारत हैज ऑलवेज बीन द लैंड ऑफ ग्रेट सेंट्स एंड स्कॉलर्स. हमेशा से भारत की यह धरती महान संतों, विद्वानों, दयालु एवं उदार शासकों एवं बुद्धिमान गुरुओं के द्वारा, गुरुओं का रहा है. भारत हमेशा से महान संतों, विद्वानों, उदार शासकों एवं बुद्धिमान गुरुओं की धरती रही है. वन सच लर्नेड गुरु वाज संदीपन. उन्हीं में से एक विद्वान गुरु संदीपन थे. लर्नेड, अ लर्नेड पर्सन इज अ पर्सन हु हैज अ वाइड रेंज ऑफ स्टडीज. So, one of those great gurus or learned gurus was Sri Sandipan. His ashram was in a forest. आप सभी जानते हैं पूर्व काल में महान ऋषियों, गुरुओं एवं संतों का निवास वन प्रदेश हुआ करता था, जहां पर वो आश्रम में विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं भी चलाया करते थे. हिज आश्रम वाज इन अ फॉरेस्ट. ही लिव्ड a holy life and taught a select group of children. Holy life means एक पवित्र जीवन. वह एक पवित्र जीवन बिताया करते थे. And taught a select group of children. और कुछ चुने हुए विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे. Krishna and Sudama were also sent to Sandipan's ashram for their education. Krishna और Sudama भी संदीपन मुनि जी के आश्रम में शिक्षा के लिए भेजे गए थे.
कृष्णा वॉज अ बॉय ऑफ नोबल बर्थ, कृष्ण एक प्रभावशाली उच्च खानदान में जन्मे थे, ही केम फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, वह राजघराने से आते थे, सुदामाज पेरेंट्स वेर वेरी पुअर, सुदामा के माता पिता लेकिन बहुत गरीब थे, आप सभी जानते हैं, बट ही वॉज नो लेस ब्रिलियंट दैन एनी अदर पीपल देयर। सुदामा निर्धन परिवार से आने के बावजूद आश्रम में पढ़ने वाले दूसरे विद्यार्थियों से किसी भी तरह से कम तीक्ष्ण बुद्धि वाले नहीं थे। कृष्णा एंड सुदामा बिकेम फास्ट फ्रेंड्स इन द आश्रम, आश्रम में यानी गुरुकुल में कृष्ण और सुदामा गहरे मित्र बन गए। बोथ वेयर सिंसियर, दोनों अपने काम के प्रति सजग थे, ब्राइट एंड ओबेडियंट। वे उनका भविष्य उज्ज्वल था और वे आज्ञाकारी भी थे। दे लर्नड देयर लेसन्स क्विकली एंड विदाउट फेल, वो अपने पाठ शीघ्र और बिना असफल हुए सीखा करते थे। दे लर्नड देयर लेसन्स क्विकली एंड विदाउट फेल, दे स्पेंट मैनी ईयर्स टूगेदर, उन्होंने कई वर्ष साथ साथ बिताया, एंड कंप्लीटेड देयर एजुकेशन, और अपनी शिक्षा पूरी की। द टाइम केम टू बिड गुड बाय टू संदीपन शास्त्रम, संदीपन गुरुजी के आश्रम को से संदीपन गुरुजी के आश्रम से विदा लेने का वक्त आ गया। द टाइम केम टू बिड गुड बाय टू संदीपन शास्त्रम, दे टच द फीट ऑफ देयर गुरु हु गेव देम हिज ब्लेसिंग्स, उन लोगों ने अपने गुरु के पांव छुए और उन्होंने इन सबको आशीर्वाद दिया। पार्टिंग्स आर ऑलवेज पेनफुल, पार्टिंग्स आर ऑलवेज पेनफुल, अलगाव या बिछड़न हमेशा दर्दकारक होता है। टीयर्स रोल डाउन द चीक्स ऑफ कृष्णा एंड सुदामा एज दे टुक लीव ऑफ ईच अदर, कृष्ण और सुदामा को भी एक दूसरे से बिछड़ना था और इसके दुख के फलस्वरूप उनकी आंखों से बहने वाले आंसू उनके गालों तक होके गिरने लगा। दे सेड गुड बाय इवन टू द काउज एंड द डियर इन द आश्रम, उन सब ने आश्रम की गायों को और हिरणों को भी अलविदा कहा।
Krishna returned to Dwarka and became king. Krishna Dwarka लौटे और राजा बने. Sudama returned to his village. Sudama अपने गांव को लौटे. His parents were no more alive. सुदामा के माता पिता अब जीवित नहीं थे. His relatives and friends welcomed him. उनके रिश्तेदार संबंधी और पड़ोसियों ने उनका स्वागत किया. He was fairly grown up now. अब वह पूरी तौर पे वयस्क हो चुके थे. He married and raised a family. उन्होंने शादी की और परिवार भी बनाया.